राज्य विद्युत परिषद प्रावधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर का प्रांत व्यापी आंदोलन का आयोजन मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर किया गया। प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों में कार्यरत यांत्रिक संवर्ग के टेक्नीशियन कार्मिकों की लंबित मांगों व समस्याओं का ऊर्जा प्रबंधन द्वारा समाधान न किए जाने से संवर्ग वर्गों में व्याप्त भारी रोष के दृष्टिगत क्षुब्ध होकर राज्य विद्युत परिषद प्रावधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की केंद्रीय कार्यकारी द्वारा 9 चरण के प्रांत व्यापी आंदोलन के चतुर्थ चरण में प्रदेश के वितरण क्षेत्र के मुख्यालयों समेत मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र के चारों जिलों गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर के समस्त तकनीकी कर्मचारियों ने उपस्थित होकर अपनी मांगों हेतु आवाज को बुलंद किया। इस अवसर पर संगम मौर्य, रामविलास खरवार, जय नारायण, आशुतोष गुप्ता, गुंजन शर्मा, योगेंद्र राजकुमार, देवेंद्र वर्मा, मुन्ना कुशवाहा, अरुण कुमार, प्रवीण सिंह सहित भारी संख्या में विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराजगंज जनपद के सचिव अखिलानंद उपाध्याय ने कहा, अखिलानंद उपाध्याय, जनपद सचिव महाराजगंज, पता कर रहा हूँ। हमारा जो संवर्ग है विद्युत राज्य राज्य विद्युत प्रौद्योगिकी संघ जो है, एक जो हम लोगों का तकनीशियन वर्ग है, एक महत्वपूर्ण बिजली विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम लोगों के साथ हमेशा प्रबंधन शोषण किया है। और हम लोगों का जो है 4200 का जो 4200 का स्केल है उसके लिए हम लोग बैठे हैं और 10 साल की जो बाध्यता है प्रमोशन के लिए उसको दूर करने के लिए रखा गया है और कॉमन कैडर घोषित करने के लिए हमारी मांगे हैं। और आमेलन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दूसरे जिलों से या दूसरे डिस्काम से आने के लिए, उसके लिए ये सब हो रहा है। और जो वेतन विसंगति है हमारी उसको दूर करने के लिए कुल मिलाकर 12 मांगों के लिए हम लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम लोग आगे जो है 1 तारीख को बनारस में, उसके बाद हम लोग लखनऊ में आमरण अनशन तक करने के लिए तैयार हैं।